साल। फिलहाल लोहार हल्के के अंदर मौजूद हूँ। बोहरा धर्मशाला के अंदर एक कार्यकर्ता मीटिंग की गई। कांग्रेस के डेलीगेट्स रहे, पूर्व में चेयरमैन रहे तीसरा मेजू जी ने, और ये काफ़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं। भाई चर्चे जो हैं हर गली के अंदर चुनाव के हो रहे हैं, क्योंकि 2 महीने बाद हरियाणा के अंदर एक महापर्व कहना चाहूँगा, क्योंकि हर 5 साल के अंदर एक मौका मिलता है जनता को, नेताओं को आईना दिखाने का। जो धरातल के ऊपर काम करते हैं उनके साथ नजर आती है, और जो धरातल पर उनसे जुड़े नहीं रहते वो मौका आता है जनता के पास भी हाँ उनको आईना दिखाएं। तीसरा मेजू जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी लगातार तीसरी मीटिंग है। पहले शिवानी के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके बाद बहल के अंदर मीटिंग हुई थी, आज लगातार लोहारों के अंदर इन्होंने मीटिंग की। क्या मुख्य चर्चाएं रही सबसे पहले? पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को प्रताड़ित करने का किसान और युवा को इस प्रकार से प्रताड़ित किया है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जनता तक पहुँचे अपने गाँव में, अपने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। एक चीज सुनने को आ रही है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे पूरे हल्के को मामले में हर उम्र का बहुत बड़ा हल्का है। गांव की बात करें तो 300 से ज़्यादा गांव है, इसको नापने में 2 महीने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन लोहारों के अंदर इतने नेता हैं कि अगर कांग्रेस की नीतियाँ हैं उनको अगर घर घर तक पहुँचाएंगे तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता पहुँचाने काम करेंगे। लेकिन टिकट का एक प्रोसेस है, टिकट अप्लाई किया जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी से फॉर्म जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी अपना पैनल बनाती है, उसके बाद पार्टी हाईकमान उस पर फैसला करती है पैनल पर, और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर 2 या 3 नाम जाते हैं, उसमें से एक आदमी को टिकट देने का पार्टी। और पार्टी जब ये सारा प्रोसेस पूरा कर लेती है तो उसके बाद पार्टी के टिकट प्रत्याशी तय किए जाते हैं। जब पार्टी के प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे तो सभी लोग तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को तनमन धन से सपोर्ट करने के लिए, करवाने के लिए। और यहाँ से जो नीतियाँ, जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, बीजेपी पार्टी ने उसी तौर पर ले लिया है। जैसे कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, अभी भर्तियों का निपटारा 3,000 से कल ही गिफ्ट जब घोषित किया गया है, टीचर लगाए गए हैं, तो ये चीज़ें हैं। कितना फायदा जो है भाजपा पार्टी का, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की जोड़ी बटा, उससे घोखाकर भारतीय जनता पार्टी ने नई नई घोषणाएँ करनी शुरू की हैं। आज आपको मालूम है 1.5 महीने के लगभग 1.5 महीने के बाद आचार संहिता लग जानी है, न गैस सिलेंडर लगना, न कोई नौकरियाँ लगनी। ये लोगों को भरगलाने का काम ये कर रहे हैं। किसान को मुआवजा देने की बात करते हैं, 2023 का मुआवजा आज तक पकाया है। आपने लोहारों के अंदर देखा कि मुआवजे के अंदर किस प्रकार से घोटाला हुआ है, और उस घोटाले के लिपापोते मेरे साथियों ने बताया किस प्रकार से सरकार ने किए। यदि निष्पक्ष जांच करवाए तो इसके तार ऊपर के नेताओं तक मिलेंगे। इस मुआवजा घोटाले के अकेले पटवारी या नंबरदार या तहसीलदार की हिम्मत नहीं है कि मुआवजे के अंदर घोटाला करते, इसके बहुत बड़े तार हैं। और इस मामले की मैं तो ये करता हूँ, ये सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और आज जो लोग लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, इन नारों का कोई औचित्य नहीं है, ये धरातल पर कुछ नहीं है, जनता इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। जनता ने प्रदेश में मन बना लिया, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लुहारू से कांग्रेस पार्टी का विधायक। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, 3 मीटिंग के बाद आगे क्या करेंगे? इन ब्लॉकों की मीटिंग कर ली, आगे गांव-गांव में लोगों के पास जाएंगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था अलग जगाने के लिए, नए लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, आज जो ये लोग लुभावने नारे दे रहे हैं, जो घोषणाएँ कर रहे हैं, इनको भी हम पर्दाफाश करेंगे कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। इसलिए हम पूरे हल्के के अंदर गाँव-गाँव में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सोमेश मिश्रा पत्रकार भाई है संयोजक संस्था इंडिया नोजन को सबसे पहले मेरी आवाज़ मत इतनी कहना चाहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी
टिकट का सही वितरण कर देती है, अपने पुराने साथी को मान लेती है, शीशराम मिर्ची को नुमाइंदा बना करके लोहारू हल्का में भेज देती है, तो ऐसा ईमानदार नेता नहीं है कोई। और इसको हम 70,000 से ऊपर जिता करके लोहारू हल्का से भेज देंगे। हम गरीब घर से कार्यकर्ता हैं, इतना काम हमारा है और टिकट का वितरण सही हो। 70,000 प्लस का मतलब हर एक नेता की जमानत करने आता है? हाँ, ऐसा करेंगे। जोश है हमारे में। सुनो जी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुराने लगे हुए और शीशराम मिर्चू से बेहतर कैंडिडेट पुराना कैंडिडेट है ही नहीं। कल ये प्रैक्टिकल तो यही है। नेता तो बहुत सारे घूमते हैं। नहीं, पुराना पुराना बता दो कौन है, इनसे पुराना बता दो कौन कांग्रेस के अंदर। कुछ कहेंगे आप जी सर? तेतर एम एल ए कांग्रेस का हरियाणा में। अच्छा, और कांग्रेस के होंगे तेतर एम एल ए गावड़े साहब कहते हैं हम। कितना मतलब किस बेस पे कह सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर के? मुद्दा के बीजेपी पार्टी देख ली भट्ठो भट्ठा के सभी आए को ठंडा किया। मजदूरी मिला में मजबूरी नहीं पड़ी हजारों का लड़ाई में। अरे माँ बाप पढ़ा दी तुमने, ये चपड़ा सी ठीक से शुरुआत इनको मिलेगा 18,000 में क्यों? 18,000 में सब्जी को नहीं आवा, बिजली का बिल तो बाकी रह गो खुद में आगे दूध के बाद उन्हें करेगी करवाई से। और मैं कांग्रेस कांग्रेस में रहूँ, कांग्रेस मेरे नाम से, और कांग्रेस में छोड़ा लगवा दिया बिना पैसा। और बोल भैया, ताऊ जी का गुस्सा जायज है ना जायज है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने अंदर कोई भी छोटी मोटी बात बोली है वो भीतर की शायद दिल में कलेजम लेके बैठे हैं। जिधे बोली है ना, जिधे बोली है, एक रुपये को लाइयो छोड़ कुड़ी में लगा नौकरी, एक रुपये को लाइयो और ये पैसा बनाऊं जी, और वो भी चपड़ा सी। चलिए भाई, अब कांग्रेस की पार्टी का कहना है कि आने वाली है वो दौर आने वाला है, ये तो लोग बताएंगे। हरियाणा में गेतरम मेले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गोविंद हुड्डा चलिए। तमाम तस्वीरें यहाँ पे आपने देखी, लोगों से हमने बातचीत की और बातों ही बातों के अंदर हर बात का जिक्र उन्होंने किया है कि पहले का समय कैसा था, आज का समय कैसा है, और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी का किस प्रकार का जो चुनाव होने वाला है वो सब रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर रुझान आप देखेंगे किस प्रकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।